Assalamu alaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are fine and hope you all are well. So today's video is a bit different. So I am going to try Kit Kat. And in tino, I'm going to try three Kit Kats by the way. And the three Kit Kats, the main difference is that one of them is from UK, one of them is from Canada and one of them is from Pakistan. And the three sizes may be different. तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, हम लोग टेस्ट करेंगे, उसके बाद मैं फिर एंड पे रिवील करूँगी कि कौन सी किस कंट्री की थी. सो ये एक ये है, दिस इज़ द लार्जेस्ट वन. उसके बाद है ये, दिस वन, दिस इज़ द टाइनी वन, और ये. सो वी बेसिकली हैव थ्री. तो हम लोग इसको साइज वाइज ट्राई करना स्टार्ट करेंगे और लेट्स सी के मुझे कैसी लगती है, कौन सी ज़्यादा पसंद आती है. मैंने घर वालों का ओपिनियन ऑलरेडी नो, तो आई एम गोइंग टू ट्राई, क्योंकि मैंने ये तीनों का कंपैरिजन नहीं किया और ये मेरी कबर्ड में कब से पड़ी हुई थी. सो नाउ आई एम लाइक ओके लेट्स डू इट. तीनों पड़ी हुई हैं, आई नॉट गिव इट अ चांस. बाय द वे, नो डिस्क्रिमिनेशन, नो हेट, नो नथिंग. आई एम जस्ट कंपेयरिंग द फ्लेवर ऑफ थ्री चॉकलेट्स बिकॉज दे आर सेम. एज यू गाइस नो, किट कैट है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग जो है वो तीनों की डिफरेंट जगह की है. सो दीज आर द लिटल किट कैट बेबीज. ओके, सो लेट्स गिव इट अ ट्राई. तो ये हमारे पास स्मॉल है, ये मीडियम है, एंड दिस वन इज द लार्जेस्ट. सो आई एम गोइंग टू सेव द लार्ज फॉर द लास्ट. मीडियम को भी रख देते हैं, पहले हम ये स्मॉल टीनी टाइनी वाली ट्राई करते हैं. ओके, इस पे लिखा हुआ है मेड इन पीनट फ्री फैसिलिटी. ओके, और क्लू आप लोगों को यहाँ से मिल जाना चाहिए, इसके ऊपर फ्रेंच लिखी हुई है. If you wait. No, it's not focusing. ये यहाँ पे ना French लिखी हुई है, तो यहाँ से आप लोगों को clue मिल जाना चाहिए कि कहाँ की है. लेकिन let's give it a try. तो मैं एक एक bite लूँगी, मैं ज़्यादा नहीं खा रही. Okay. Looks like this. Looks like a normal Kit Kat. पूरी खा लेते, फिर चाहिए. ओके, गॉट इट. अब हम ट्राई करेंगे दिस वन, द मिडल वन. इसके ऊपर लिखा हुआ है टू क्रिस्प वेफर फिंगर्स कवर्ड विद मिल्क चॉकलेट. लेट्स गिव इट अ ट्राई. आई डोंट नो कि मुझे इन तीनों में कोई डिफरेंस भी लगने वाला है या नहीं. ओह वाओ, इसके ऊपर लिखा हुआ है हैशटैग माई ब्रेक. नजर आ रहा है आप लोगों को? वेट, लेट मी चेक कि दूसरी उस पर क्या लिखा हुआ है. स्टिक पे, ओह दूसरे स्टिक पे है किट कैट. अच्छा, वो मैंने आपको पिछले वाली नहीं दिखाई ना. अच्छा, पहले इसको टेस्ट कर लेते हैं. नहीं, पहले मैं आप लोगों को पिछले वाली भी दिखा देती हूँ. सो उस पर भी आई गेस किट कैट, यस उस पर भी किट कैट लिखा हुआ है ये, लेकिन मैंने आपको पिछली वाली दिखाई है उस पर माई ब्रेक, हैशटैग माई ब्रेक लिखा हुआ था, विच इज क्यूट. सो आई एम गोइंग टू हैव दिस हैशटैग माई ब्रेक. ओके, गॉट इट. अब हम ये ट्राई करते हैं, सबसे बड़ी. इसके वैसे आपको पैकेट भी पता चल जाना चाहिए कि ये कहाँ की बनी हुई है. टिपिकल. ओ गॉड, ये तो खुल ही नहीं रही. मैं पूरी नहीं खोलना चाह रही कि मेरे से बाद में खाई ना जाए, तो इसको शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. आप लोगों को देख के ही पता चल जाना चाहिए कि ये कहाँ की है. चेक, इसे देख के ही पता चल जाएगा ये कहाँ की बनी हुई है. My mind is actually blown. Okay, as compared to both of the Kit Kats I had before, इसमें और उनमें कितना difference है.
कलर में इतना डिफरेंस है, एक वो जो मैंने हैशटैग ब्रेक वाली खाई थी और एक ये जो अभी मैंने ट्राई की। ओके सो लेट्स डू अ रिवील कि कौन सी चॉकलेट कहाँ की थी। सो दिस वन इज द स्मॉल वन जिसके ऊपर पीनट एलर्जी का फ्रेंच में लिखा हुआ है। सो दिस इज फ्रॉम कैनेडा, दिस क्यूट वन लिटिल वन। ओके सो ये जो हैशटैग माई ब्रेक वाली है जो मीडियम साइज की है, दिस इज फ्रॉम द यूके। हम लोगों ने एक बॉक्स, मतलब दिस इज फ्रॉम इंग्लैंड, इंग्लैंड से बोल रही थी, हमने एक बॉक्स लिया था उसमें किटकैट थी। मैं बॉक्स आप लोगों को दिखाती हूँ, गिव मी अ सेकंड। एंड दिस वन इज ऑफ कोर्स फ्रॉम आवर ब्यूटीफुल कंट्री पाकिस्तान। ओके सो अब मैं आप लोगों को टेस्ट का कंपेरिजन करती हूँ। सबसे पहले जो कैनेडा वाली है ना, उसमें सबसे कम मीठा था, लाइक इट वॉज वेरी बैलेंस्ड। ओके जो यूके वाली थी, यूके वाली मुझे पसंद आई है बिकॉज टू रीजंस। एक तो इट वॉज मोर ऑन द क्रिस्पी साइड, और दूसरा ये कि उसका जो फ्लेवर था ना वो सबसे ज़्यादा किटकैट वाला था। और पाकिस्तान वाला मैं ऑफकोर्स थर्ड पे रखूँगी, आई एम सॉरी, बट इसका काफ़ी बेसिक सा फ्लेवर था। मैंने बहुत किटकैट खाई है और मुझे पसंद भी है, लेकिन मैंने कभी ऐसे कंपैरिजन नहीं किया था, तो मुझे आइडिया नहीं था कि यार तीनों में एक्चुअल में कितना डिफरेंस है। अभी मैं आपको जो यूके वाला बॉक्स है वो दिखाती हूँ। टाटा, चेक दिस आउट, इट इज सो क्यूट, ये देखें। ओके सो ये है ना मजे का बॉक्स। इसमें ये लाइक इसमें यह है कि आप इसको ना बाद में एज कॉइन बॉक्स भी यूज कर सकते हो, इसमें इन लोगों ने स्लॉट बनाया हुआ है, तो इट इज अमेजिंग। अंदर से ऐसा है। सो ये जो यूके वाली थी ना वो सारी इसमें थी, विच आई टुक आउट माइन ऑफ कोर्स। ओके तो आप लोग भी ये चैलेंज करें, आप लोग भी बताएं कि आप लोगों को कौन सी बेटर लगती है। मुझे पाकिस्तानी वाली सबसे बेसिक लगी है बिकॉज उसमें टिपिकल जो पाकिस्तानी चॉकलेट्स का फ्लेवर होता ना वो आ रहा था। सेकंड पे मैं कैनेडा वाली रखूंगी, कैनेडा वाली बहुत बहुत मजे की है, बट वो इतनी क्रिस्पी नहीं थी और उसका फ्लेवर जो किटकैट का है ना वो इतना ज़्यादा इन्हेंस नहीं था जितना इसमें था यूके वाले में। सो आई थिंक के दिस वन इज अ विनर फॉर मी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आप लोगों ने वीडियो देखी है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो शेयर करें, लाइक करें। एंड अगर आप लोगों ने अभी तीनों कंट्रीज के खाई नहीं है किटकैट्स या कोई भी चॉकलेट, और अगर आप लोगों ने कंपेरिजन किया हुआ, लेट मी नो कि आप लोगों को कैसा लगा। एंड डू यू गाइज लाइक माई क्रिसमस स्वेटर, इट इज सो क्यूट। अभी इट्स still some time for Christmas, but मैंने still ये पहनी है anyways। And अगर आप लोग ऐसी videos देखना चाहते हैं कि मैं compare करूँ different chocolates या different products या different खाने की चीज़ें of different countries and different places, so let me know, and again no hard feelings, so take care of yourselves, see you guys next time, until then bye bye।